नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं पतंजलि के न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है थायरोग्रीट। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, और कुछ साइड इफेक्ट है भी या नहीं, और कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थायरोग्रीट देखो आपको कब सेवन करना है, अगर आपके रिलेटिव में आपको या किसी भी आसपास किसी को थायरॉइड की समस्या है, बहुत लंबे समय से है या फिर शॉर्ट टर्म से ही है। थायराइड की समस्या हो सकती है कि हाइपर थायराइड या फिर हाइपोथायराइड हो सकती है। हाइपर थायराइड में क्या लक्षण मिलेंगे कि मोटापा बढ़ता चले जाएगा, दिन भर थकान रहेगी, खाना नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लो एनर्जी फील करेगा, ये सब हाइपोथायराइड होता है। हाइपर थायराइड में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, भूख ज्यादा लगेगी, शरीर पतला होता चले जाएगा, एनर्जी ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म के होते हैं। तो ये जो थायरोग्रेट होती है, ये दोनों ही विकारों में, यानी कि हाइपर और हाइपो दोनों ही थायरॉयड के जो डिसऑर्डर होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड जो हमारी नेक में होती है, इसके जो विकार होते हैं, ये दोनों में ही ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो कैसे यूजफुल होती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे हम आयुर्वेद की भाषा में बात करते हैं तो थायरॉयड जो होते हैं वो कफ के डिसऑर्डर के माना जाता है, क्योंकि कफ का स्थान में प्रेजेंट होती है। तो कफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो विकृत कफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें थ्रीकटू का एक्सट्रैक्ट होता है, जो विकृत कफ को भी बैलेंस करके रखेगा और थायराइड की जो बीमारी होती है उसको भी ये दूर करेगा। उसके अलावा इसके अंदर होता है सिंघाड़े का एक्सट्रैक्ट, जो शरद ऋतु में सिंघाड़ा आता है, शीत वीर्य होता है, बहुत अच्छा माना गया है कि थायराइड ग्लैंड में उसको बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है। उसके अलावा अगला देखा गया है कि धनिया बीज का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर होता है, जो भी बहुत अच्छा माना गया है थायराइड ग्लैंड में। अगला इसके अंदर होता है शुद्ध गुगलू। गुगलू जो होता है आयुर्वेद में कफो मेदोहर बताया गया है, अग्नि दीपन बताया गया है, इसका भी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट माना गया है, क्योंकि ये कफ का डिसऑर्डर है तो बहुत अच्छा एक्शन भी देखने को मिलता है। फिर अगला हम देखते हैं तो इसके अंदर होता है काचनार। काचनार का एक्सट्रैक्ट माना गया है, काचनार का जो मुख्य कर्म आयुर्वेद में बताया गया है वो गलगंड नाशक होता है, और उसके अलावा थायराइड की ग्रंथि पे भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अगला इसके अंदर होता है पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट। पुनर्नवा भी क्या करता है, विपरीत कफ को कम करता है, वायु का अनुलोमन करता है, डायूरेटिक की तरह काम करता है, थायराइड में बहुत अच्छा एक्शन इसका देखा गया है। उसके अलावा इसके अंदर होता है बहेड़ा का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है, जो त्रिफलगेंद बहेड़ा होता है ना, उसका भी बहुत अच्छा एक्शन होता है कफ विकार के लिए, और थायराइड में स्पेशली बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, ये सब मिला के ही थायरोग्रीट को बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है थायरोइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में, और थायरोइड ग्लैंड के साथ साथ गलगंड जो बीमारी होती है, यानी कि गलगंड जो होती है कि नेक के अंदर में और ग्रोथ हो जाना, उसमें भी बहुत अच्छा एक्शन इसका देखा गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मात्रा की, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपकी पहले से ही अंग्रेजी दवाई चल रही है थायराइड की बीमारी में, 25 mg, 50 mg, 100 mg तक अगर आपकी पहले से चल रही है, अगर बात करते हैं 25 mg तक है, तो एक एक गोली सुबह शाम आपको ऐड करनी है। धीरे धीरे जब आपका थायराइड बैलेंस होता चले जाएगा तो अंग्रेजी आपको बंद कर देनी है, पूरा डिपेंडेंट इस पे हो जाना है, और धीरे धीरे हम इसको भी बंद कर देंगे। फिर हम बात करते हैं तो अगर आपका थायराइड बहुत लंबे समय से चलाता आ रहा है, आपका वेट के अनुसार आपका 75, 50 या 100 mg तक है, तो आपको दो दो गोली सुबह शाम ऐड करनी है, क्रश करके खाएंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और गर्म पानी से इसका सेवन करना है। तो ये तो बात कर ली हमने थायरोग्रीट की, थायरोग्रीट के फायदे के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन आपको थायरॉइड का पूरा इलाज चलाना है तो उसके अलावा आपको और भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जैसे कि कायकल्पवात, स्वर्कल्पवात हो गया, काचना घनवटी हो गया, और अगर आपको कमजोरी आ रही है तो न्यूट्रेले का डेली एक्टिव भी आप ऐड कर सकते हैं, या अगर खून में कमी है शरीर में तो न्यूट्रेले का आयरन कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फुल ट्रीटमेंट चाहिए विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन तो आप नीचे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई से नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा सके, और सभी घर में जो हमारे एंसेस्टर ने फ़ायदा उठाया था सभी घर फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।